भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब जल्द ही वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसको लेकर सहमति बन चुकी है। तो जेपी नड्डा की कल मुख्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ताजपोशी की जाएगी। बेहद करीबी हैं गृहमंत्री अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। एक लंबा कार्यकाल रहा है, हिमाचल से वो ताल्लुक रखते हैं, पैदाइश उनकी बिहार की है, लेकिन संघ से भी जुड़े रहे और लगातार काम करते रहे। और अब नतीजा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जेपी नड्डा। कल ही होगी उनकी ताजपोशी बीजेपी मुख्यालय में। कल कुछ इस तरीके से तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए, अमित दुबे हमारे संवाददाता, उन्होंने जायजा लिया किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं और जो नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं उनकी खासियत क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हम यहां पे दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी के नेशनल ऑफिस में यहां पे खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और किस तरह से बाकायदा साउंड आ गए हैं, बाकी सामान जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, और किस तरह से यहाँ पर साउंड लगाए जा रहे हैं। और कल जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है। हालाँकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो सुबह 10 बजे चालू होगी। तमाम जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब यहाँ मौजूद होंगे। जाहिर तौर पे एक बड़ी भीड़ यहाँ पे होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री भी बीजेपी ऑफिस में आएंगे, इसके साथ गृह मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि व्यवस्था जो है पहले से जुटाई जाती है, और अभी जो है यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, वो लगातार उन व्यवस्थाओं को एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि सुबह जब 10 बजे नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उसमें तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और इसके साथ शाम को जब ताजपोशी होगी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली। तो वाकई देश की राजनीति के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। अमित दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा समारोह होगा बीजेपी हेडक्वार्टर में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी नए बीजेपी अध्यक्ष की? सबसे बड़ी चीज है कि जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे उसके बाद से ही अध्यक्ष पद को लेके अटकलें तेज थी, क्योंकि बीजेपी जो है एक व्यक्ति और एक पद में विश्वास करती है। तो जाहिर तौर पे अमित शाह को लेके भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि उस टाइम उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जो दिसंबर में पूरा हो गया। तो जाहिर तौर पे अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, और इसी वजह से जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्योंकि पार्टी के कई विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से चालक के कहे जाने वाले अमित शाह पार्टी चला रहे थे नया अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन अमित, आपसे सवाल ये बनता है दरअसल कि जेपी नड्डा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष रहे, और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, झारखंड भी हाथ से जाता रहा, बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का माना जाता है, चाणक्य माना जाता है जो अध्यक्ष थे अब के गृह मंत्री अमित शाह को, उनको रिप्लेस कर पाएंगे पूरी तरह से जेपी नड्डा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जब ये, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अन्य जगह की बात करें, बीजेपी के चुनाव में जो हार हुई है इसके लिए भी पूर्णकालिक अध्यक्ष का ना होना जिम्मेदार बताया गया था। और यही वजह है कि अब क्योंकि जेपी नड्डा की ताजपोशी हो रही है, और सबसे बड़ी चीज की जब कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया तो जाहिर तौर पे उस समय कहा जा सकता है कि अमित शाह की जो चालक की नीति है उनके गुड़ सीखने का वक्त था। और लगातार पिछले 3 महीने जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक ट्रेनिंग पीरियड उसे समझा जा सकता है। और अब जब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे तो खासतौर पर उन्हें डिसीजन लेने में दिक्कतें नहीं होंगी। जी बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।